हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यदि आपकी गाय या भैंस जो है कम दूध दे रही है तो उसके जो है दूध को आप कैसे बढ़ा सकते हैं यानी कि जो आपको मैं नुस्खा बताऊंगा ये बिल्कुल अजमाया हुआ नुस्खा इसका यदि आप उपयोग करेंगे तो इससे जो है आपका जो पशु होगा वो हंड्रेड परसेंट जो है दूध के समय बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा क्योंकि ये जो नुस्खा है इससे आपका जो पशु है उस पर भी कोई जो है प्रभाव जो है विपरीत नहीं पड़ता इसके साथ साथ पशु जो है काफ़ी अधिक मात्रा में जो है दूध देने में सक्षम हो जाता है है। तो ये जो होंगी चीजें आपको घर में जो है मिल जाएंगे यानी कि बहुत महंगाई मैं आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा बहुत ही जो है सस्ता ये फार्मूला है जिसको जो है आप घर पर जो है स्वयं जो है तैयार कर सकते हैं तो इसमें जो है सबसे पहले आपको जो चीज़ लेनी है वो तकरीबन आपको 100 ग्राम जो है यानी कि 100 एम जो है आपको सरसों का तेल ले लेना है यहाँ मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा वो आप नोट कर लें यानी कि 100 एम जो है यानी कि 100 ग्राम जो है आपको सरसों का तेल लेना है इसके बारे में जो आपको दूसरी चीज़ की जो आवश्यकता पड़ेगी वो आपको लेना है जो गेहूँ का दलिया होता है वो तकरीबन आपको तीन किलोग्राम लेना है और इसके बाद में जो आपको जो तीसरी चीज़ ऐड करनी है इसके अंदर वो तारा मेला तारा मेला आपको मिल ता है तब आप जो है इसको ले ले यदि नहीं मिलता तब भी सही है तो आप जो है इसको ना अगर मिलाएंगे तब भी काम चल जाएगा यदि मिल जाए आपके यहाँ तरा मीरा तो उसको जो है आप पचास ग्राम जो है इसके अंदर मिला सकते हैं इसके बाद में जो चौथी चीज़ है वो काफ़ी जरूरी है वो है आपका गुड़ गुड़ तकरीबन आपको पाँच ग्राम जो है लेना यानी कि आधा जो है किलो आपको गुड़ लेना है इसके बाद में जो है आपको दो चम्मच जो है आपको मीठा सोडा भी जो है ले लेना है मीठा जो सोडा होता है ये काफ़ी अच्छा जो है हाजमा पशुओं का जो है बढ़ाता है ये आपको तभी देना है मीठा सोडा जब आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ हो यदि उसको दस्त वगैरह लगी हैं तो आप ऐसी कंडीशन में तार, इसमें जो है आप जो मीठा सोडा है ऐड ना करें और ये जो पांच चीज़ें हैं आपको ले लेनी है और ये पांच चीज़ें लेने के बाद में अब आपको जो है इसको तैयार करना है तैयार ऐसे करना है कि सबसे पहले जो आपका तीन किलो जो दलिया है जो आपका गेहूं का उसको आपको जो है किसी भिगोने के अंदर डाल लेना है और उसमें जो है आपको उसके अंदर पानी को मिला लेना है यानी कि पानी आप उसमें इतना डाल लें जिससे वो जो है उसके अंदर भीग जाए इसके बारे में जो है आपको इस दलिए को जो है अच्छे से जो है पका लेना यानी कि जो है आप इसको चूल्हे पर जो है अच्छे से पका लें दलिए को और दलिया पकाने के बाद में जो है आप इसके अंदर जो आपका पाँच ग्राम गुड़ है वो इसमें आप ऐड कर लें जो आपका तारा मीरा है पचास ग्राम वो भी आप इसी के अंदर डाल के जो है इसको अच्छे से हिला लें और जो आपका इसके अंदर जो दो चम्मच आपके जो मीठा सोडा है वो भी आप इसी के अंदर जो है डाल लें और जो 100 ग्राम आपका जो तेल है सरसों का इस सभी चीज़ों को जो है आप अच्छे से उसके अंदर डाल के घुमा लें यानी कि अच्छे से इसको हिला लें हिलाने के बाद में जब ये पूरा ठंडा हो जाए ठंडा होने के बाद जो है आप अपने पशु को जो है चाहे आपका गाभिन पशु हो या फिर दूध जो दे रहा हो दोनों को जो है आप इसको खिला सकते हैं चाहे वो आपका गाय हो चाहे वो आपका भैंस हो सभी को जो है आप खिला सकते हैं इससे आपके जो पशु का जो दूध होगा वो यकीन तौर पर जो है आपको बढ़ता हुआ जो है काफी उसमें फर्क लगेगा और ये जो फार्मूला है आपको अपने पशु को तब देना है जब आपका पशु जो है पूरा खा पी कर जो है अच्छे से बैठा हो शाम के समय उस समय जो है आप अपना ये फार्मूला जो है पशु को खिलाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इस फार्मूले को खिलाने के बाद में आपको अपने पशु को जो है ना चारा खिलाना है और ना ही जो है आपको पानी पिलाना है यानी कि जब चारा चारा खा के और पानी पी के जब आपका पशु बैठा हो शाम के समय उस समय जो है आप इस फार्मूले को दें तो इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एक तो आके पशु का का जो है दूध बढ़ेगा दूसरा जो है आपका पशु का जो स्वास्थ्य है यानी कि जो उसका शरीर है वो भी अच्छा जो है बनेगा तो ये थी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद